ये जो नुकसान हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है और शायद इसकी क्षतिपूर्ति राशि देने में शासन प्रशासन नाकाम रहेगा। पिछले 3 वर्षों से इनका जो नुकसान होता आया है, आज तक शासन प्रशासन के द्वारा इनको 1 रुपये भी नहीं दिए गए हैं। तो हमारे बीच में ये ग्रामीण जन खड़े हैं ग्राम धनेड़ी के, और ये मिठाई लाल जी हैं, ये पूर्व पंच भी रह चुके हैं इस गांव के, और इनके द्वारा 4 दिन पहले इसकी सूचना राजस्व विभाग को और फॉरेस्ट अमले को दी गई थी कि हाथियों के द्वारा हमारा बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। पर आज दिनांक तक इनकी सुनने न तो फॉरेस्ट विभाग आया, न राजस्व अमला आया और न किसी ने इनकी सुध ली। आइए जानते हैं मिठाई लाल जी से कि आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से। आप सबसे कि आज 2-3 साल से लगातार जो है तो नुकसान इस तरह से हो रहा है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना प्राण छोड़ दें, सब आके पूरा परिवार यहीं ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम आज 3-4 माने दिन के पहले हम लोग जंगल विभाग को, राजस्व विभाग को जो है तो सूचित किए और आज तक कोई माने हम लोगों का तहकीकात नहीं किया क्या इनका नुकसान हुआ कि क्या फ़ायदा हुआ। इस तरह से हम लोग हर साल माने परेशान रहते हैं, खेती करते हैं, इसी के बद रहते हैं, हम बंधे रहते हैं, देखते रहते हैं कि माने हमारा उजड़ने न पाए। छोटे मोटे जानवरों को तो आदमी किसी प्रकार से रगड़ लेता है, लेकिन ऐसे आ गए कि हम लोगों को फिर माने बचना मुश्किल पड़ जाता है। हमारे बीच में जो और साथी थे तो उनको बहुत सी चोट भी आई, उनके भागे तो लगा कि उनको भी प्राण विहीन हो जाएंगे। इस तरह में तो लगता है कि हम लोगों को सब यहीं पर अपना प्राण अर्पण कर दें। इस तरह से हम लोगों को दुख होता है क्योंकि ना हमारा शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता, ना कोई कर्मचारी ध्यान देते। इस तरह से हम क्या करें, हम लोगों की भारी मजबूरी है। ये घटना कब की है? ये घटना आज 3 दिन की हो गई। 3 दिन की। इसकी जानकारी आपने फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग को दी थी? हम राजस्व विभाग को दिए, फॉरेस्ट विभाग को दिए, आज तक कोई फिर के झांकने नहीं आया। इससे पहले, इससे पूर्व भी, मतलब पिछले साल, फिर पिछले साल, मतलब ये घटना 3 साल से लिखाए पढ़ाए ऊपर से पैसों लाए अखबार इनको देते हैं। जंगल विभाग आता है, वन विभाग आता है, सबको पैसा चाहिए। हमारा नुकसान हुआ, पैसा भी किसी प्रकार से कहीं ना कहीं व्यवस्था करके उनको देते हैं, फिर भी हमको एक पैसा नहीं मिलता है। सब पटवारी, मतलब पिछले बार भी आपको कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, ना 3 साल मिला। कमल कंदी, ये जो नुकसान आपका हुआ है तो लगभग पूरे खेत, कहीं कहीं तो पूरे खेत नष्ट हो गए हैं, तो ये आपको तो बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। तो शासन प्रशासन आपकी किसी भी प्रकार से नहीं सुन रहा है? हमारा किसी प्रकार से नहीं सुन रहा है।